देवी की आराधना करें। आराधना का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है और बोले कथा से लाभ क्या है, तो यहाँ लाभ के बारे में भी बताया गया है। पुराणानां तु सर्वेषां सर्वार्थ लभलं भवेत् तस्माच्च तगुणं पुण्यं देवी भागवता लभेत। बोले सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल देवी भागवत महापुराण के श्रवण करने से प्राप्त होता है। यहां पर लिखा हुआ है बोले जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण, तेजस्वी में सूर्य, जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, शीतलता देने वालों में भी चंद्रमा, उसी प्रकार सभी पुराणों में श्रेष्ठतम पुराण देवी भागवत महापुराण है। आज बोले यहां पर बताया है भगवती जगदम्बा के इन पुराणों को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक से तैयार किया गया। अगर उस आधे श्लोक को हम श्रवण कर लें तो हमारा यह चैतन्य शरीर आजीवन देवी के चरणों में समर्पित तो हो जाता है। बोले यहां पर सूत जी ने कहा कि जो श्रवण इंद्रिय युक्त तो होते हुए भी, यानी जिनके कान हैं, श्रोतेन्द्रियुदासुत नरः स्वाद विचक्षण न श्रवन्ति पुराणानि वंचिता विदना हिते। बोले जिनके कान हैं फिर भी कथा सुनने नहीं पधारे हैं उनको तो बहरा ही मानिए या तो पशु ही मानिए या फिर उन्हें राक्षस समझ लीजिए। जो कान हैं सुनने की क्षमता है फिर भी देख लिया कि पुराण हो रहा है फिर भी सुनने नहीं आए अभी तक। बोले जिन्होंने देवी का नाम नहीं गाया वे जिभ्या होते हुए भी जिभ्या रहित मानिए, उनकी जीव कटी हुई मानिए। एक तो बड़ी सुंदर बात कही, अश्रोत्रा फणिना कामम मुह्यन्ति ही नवो गुणई सकर्णा ये ना श्रवंती ते प्याकर्णा कथम नचा। अर्थात जब कर्णहीन सर्प भी मधुर बीन की आवाज सुनकर झूमने लगता है, सर्प के कान नहीं होते लेकिन वो आहट लेता है, लेकिन बीन की आवाज सुनकर आहट लेकर वो भी अपने फण को खोल करके झूमने लगता है। बोले आप उस सर्प से भी गए गुजरे हो क्या? तो यहां पर लिखा है फणी नाम, जब कर्ण रहित सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं तब भला कर्ण युक्त मानव यदि कथा सुनकर भी मोहित नहीं होते। इन्हें बहरा ही जानो, इनके कान नहीं केवल छेद हैं, ये बहरे हैं। और बोले सुंदर वर्णन करते हुए कहा जाता है विश्वासो फलदायक, जब तक विश्वास नहीं होगा इन बातों पर जो सुन रहे हो तब तक फल नहीं मिलेगा। विश्वासो फलदायक, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। आपको विश्वास होगा तभी फल प्राप्त होगा। भावे ही विद्यते देवो, पत्थर में भगवान है क्या? भगवान ने तो यह भी कह दिया कि मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अब बताओ। नारद जी ने पूछा जब भगवान से, प्रभु आप कहां रहते हो? तो भगवान ने कहा ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न वै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं नारद। बोले हैं, मैंने तो सुना है वैकुंठवासी हो। बोले ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो बोले प्रभु रहते कहां हो फिर? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त नाचते हुए झूमते हुए मेरे नामों का गायन करते हैं हे नारद मैं वहीं रहता हूं। तो सोचिए
हमारे बीच में कहीं ना कहीं रूप लेकर ईश्वर आते हैं। सारे देवता देवी की इस कथा को सुनने सब देवता रूप बदल कर आते हैं, क्यों आज उस आदि शक्ति जगदम्बा के चरित्रों में जैसा हम आनंद ले रहे हैं तो देवता सोचते हैं कि हम भी रूप बदल कर जाएं, देख कैसा आनंद आता है। सब आते हैं, हमारे बीच में ही कहीं बैठे होंगे, देख लेना। हाँ, कुछ मांगने ना लग जाना, मांगने की बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है।